समुद्र की गहराई से भी गहरा समुद्री दुनिया का रहस्य है। इस समुद्री दुनिया में नाना प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं जो ना ही मनुष्य ने देखे हैं और ना ही कभी सुने होंगे। और अचानक से अगर ये जीव पृथ्वी तल पर पाए जाते हैं तो वो एक चमत्कार से कम नहीं है। कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर नीले रंग के अजीबोगरीब जानवर देखने को मिले हैं। इन जीवों को देखकर आसपास के लोग हैरान हो गए। अमेरिका के पश्चिम तट पर कैलिफोर्निया में समुद्र के किनारे दूर से दिखने पर ऐसा लग रहा था जैसे रेत पर धब्बे हों। जब पास जाकर देखा गया तो पता चला कि ये समुद्री जीव हैं। वहाँ के जब स्थानीय लोग मॉर्निंग वॉक पे निकले तो उन्होंने इस नजारे को देखा। वो देखकर घबरा गए कि ये जीव आखिर इस धरती के हैं या फिर एलियन है, क्योंकि हमारे जमाने में कोई भी अनोखी चीज दिखने पर उसे तुरंत एलियन घोषित कर दिया जाता है। जब उन्होंने इस जीवों की फोटो लेके इंटरनेट पर वायरल किया तो निष्कर्ष में निकल के आया कि ये वेलला वेलला के नाम से जाना जाता है। ये जीव दाना पॉइंट टू पॉइंट से रेस नेशनल सीसोर, जो कि एक जगह है, तक फैले हुए थे। लोगों की इन जीवों को देखने का दुर्लभ दृश्य था। ये जीव जेलीफिश की तरह होते हैं। आमतौर पर ये तट से दूर रहते हैं। ये जीव एक डिस्क यानी कि एक प्लेट के आकार के होते हैं। हालांकि इन्हीं की तरह दिखने वाला एक जीव गतिहीन होता है, लेकिन वेलला वेलला ऐसा नहीं है। ये हवा के कारण गति कर सकता है। यह जीव समुद्र के पानी की गति के अनुसार उसी दिशा में बहते जिस दिशा में पानी की गति होगी, जिसके कारण इसका उपनाम हवा से चलने वाला नाविक भी है। जब ये जीव जीवित होते हैं तो वे जुप्लेटकन और अन्य छोटे समुद्री जीवों को खाते हैं। जिंदा रहने पर नीला होता है रंग। वेलला वेलला रंग कोबाल्ट से लेकर नीला हो सकता है। हालांकि यह जीव मरने के बाद ग्रे कलर में बदल जाता है। इसके पास तैरने की अपनी क्षमता नहीं होती है, जिसके कारण यह पूरी तरह समुद्री धाराओं और हवाओं पर निर्भर है। धारा जहां चलेगी उन्हें उस तरफ ले जाएगी। किनारे पर लंबे समय तक रहने से ये मर जाते हैं और अपना रंग खोकर ग्रे हो जाते हैं। इस प्रजाति के छोटे जीवों के लिए बड़े तूफान विनाशकारी हो सकते हैं। इनके पास भी डंक होता है, लेकिन यह है मनुष्यों के लिए खतरनाक नहीं होता। कैसे काटते हैं तट पर? वेट, क्या बात, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया? गलत बात। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इनसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक मरीन कॉलेज में जीव विज्ञान के प्रोफेसर जो मोरल ने कहा है, कई बार यह जीव बीच पर एक या दो दिन दिख सकते हैं, या फिर यह पूरे सीजन बीच पर देखी जा सकती है। इन्हें देखकर ऐसा लगेगा जैसे किसानी अंगूरों की जैली तट पर डाल दी गई है। यह आमतौर पे उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। जब भी हवाएं विपरीत दिशा में बहती हैं, तो ये तटों पर आ जाते हैं। तो ये थी तमाम जानकारी वेलला वेलला नाम के समुद्री जीव के बारे में। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव या आपको रुचिकर लगा हो तो प्लीज इसको एक लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ में चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर। माय नेम इज खुशबू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।